मूवी जाती है कुछ बहुत ही अच्छी होती है, कुछ बिलो द एवरेज रहती है। लेकिन आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी शॉर्ट मूवीज के जो लास्ट लाइक फ्यू ईयर्स में आई है, जो लगभग सभी अवार्ड्स में नॉमिनेट हुई है, अवार्ड जीते भी है। तो शॉर्ट मूवीज की सबसे अच्छी बात यह होती है कि वो कुछ ही कम समय में इतनी अच्छी तरह से स्टोरी को डिफाइन करती है, स्क्रीन पर उतारते हैं कि उसे देखने के लिए मजबूर हो जाते हैं और फैन बन जाते हैं ऐसी मूवीज की। तो आज के वीडियो में बात करके टॉप 10 शॉर्ट मूवीज के बारे में जो पिछले कुछ सालों में रिलीज हुई है। आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टफ होने वाला है इस वीडियो में। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ऑन कर दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 10 पर आती है हमारी इंटीरियर कैफे नाइट। सिंपली इस वेब सीरीज में आपको दो ओल्ड कपल देखने को मिलेंगे जो अपनी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को जिंदा रखना चाहते हैं ताकि वो आखिरी बार मिल सके। एक बार फिर से वो आखिरी बार मिलकर अपनी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को जिंदा रखना चाहते हैं, लेकिन कुछ इस तरह से घटना वापरती है कि वो उस वहां पर वहां ही रह जाते हैं और शांति को ढूंढने के लिए भी पीछे भागना पड़ता है उनको। जिस तरह से इस पूरी शॉर्ट मूवी को स्क्रीन पर उतारा गया है, आप इस वेब मूवी को बहुत एंजॉय करोगे। नंबर 10 पर इंटीरियर कैफे नाइट। नंबर 9 पर आती है हमारी बॉम्बे मिरर। इस तरह से इस मूवी को शॉर्ट मूवी को बनाया गया कि आपको देखते वक्त पता भी नहीं चलेगा कब ये आपके दिमाग पर उभर गई। कहानी है एक ऐसे लड़के की जो अपनी अपकमिंग इंटरव्यू के लिए जाता है, मतलब सबसे पहले वो नाई के पास जाता है अपने आप को ट्रिम करने के लिए, मतलब अपनी दाढ़ी को कटवाने के लिए। लेकिन जब वो बाहर निकलता है तो इस तरह से उसको लोग देखते हैं और क्या धरकट्टा वापरती है जो आपको वेब मूवी में देखने को मिलेगा। जिस तरह से मूवी को बनाया गया, स्क्रीन पर उतारा गया, आप मूवी को बहुत एंजॉय करोगे। नंबर 9 पर बॉम्बे मिरर। आठ पर आती है हमारी खाम खा। अगर आप कोई रोमांटिक शॉर्ट मूवी ढूंढ रहे हो तो मैं सबसे पहले आपको जो सजेस्ट करूंगा देखने के लिए खाम खा। एक ऐसे लड़के की कहानी जो कि एक अर्बन गाय है, लेकिन वो जाता है कहीं पर, उसकी कार खराब हो जाती है लेकिन वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लेता है। वहां पर किस तरह उसको एक लड़की पसंद आती है और उसका वो फॉलो करता है, किस तरह उसे स्टॉक करता है, जी आपको देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। अगर आप किसी और वे से देखोगे तो जी आपको मूवी किसी और वे से ले जाएगी। इसको देखने के लिए सिंपली आपको इस मूवी में बने रहना है, तब जाके इस शॉर्ट मूवी को आप एंजॉय करोगे। जिस तरह से थोड़े ही कम टाइम में इस मूवी को स्क्रीन पर उतारा गया है और आपके सामने दिखाया गया है, आप इस मूवी को बहुत एंजॉय करोगे। नंबर 8 पर खाब खा। पर आती है हमारी टीस्पून। अब कोई लेडी जब घर पर रहके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग काम करना शुरू करती है तो वो बाहर की सारी दुनिया को लगभग भूल ही जाते हैं जो हाउस वूमन का काम करते हैं। सिंपली ये कहानी एक ऐसी हुदा तरीके से स्क्रीन पे उतारी गई है टीस्पून, जिसे देखने के लिए आपको थोड़ा सी पेशेंस रखनी पड़ेगी। पहले कुछ मिनट तक स्टोरी काफ़ी स्लो चलेगी, जैसे ही कहानी आगे बढ़ती है वो अपने आप को इस तरह से फंसी हुई पाती है जाल में कि वो सोचती है कि सिर्फ यही हो रहा है लाइफ में, कुछ और नहीं हो रहा। तो उसका पति उसे बिल्कुल भी समझने की कोशिश नहीं करता। जब काफ़ी ज़्यादा वैवाहिक समस्या फंस जाती है बीच में आकर और सबसे वो निकलने की किस तरह कोशिश करती है, ये सब आपको देखने को मिलेगा। जिस तरह से इस वेब शॉर्ट मूवी को बनाया गया है, वेरियस अवार्ड्स जीते हुए इस मूवी ने, आपको देखने में बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा। सिंपली नंबर 7 पर टीस्पून। अबानी द इन्वेस्टर एक ऐसे लड़के की कहानी है जो कि आपको मतलब एक तरह से इंस्पायर भी करके जाएगी। इस तरह से मूवी को स्क्रीन पे उतारा गया है। एक ऐसे गरीब लड़की कहानी है जो अपने फादर की कुछ लीकर की बोटल्स को सेल करके अपने लिए पैसा कमाता है। जब वो किसी जगह इन्वेस्ट करता है तो वहां से वो प्रॉफिट कमाना शुरू कर देता है। जिस तरह से स्टोरी को स्क्रीन पे उतारा गया है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत डेडिकेशन के साथ हार्डवर्क इस मूवी में देखने को मिलेगा। जिस तरह से मूवी को स्क्रीन पे उतारा गया है, अबानी द इन्वेस्टर, आप बहुत ही ज्यादा एंजॉय करोगे अबानी द इन्वेस्टर मूवी को। नंबर 5 पर आते हैं हमारी साइकोलॉजिकल थ्रिलर शॉर्ट मूवी कृति। एक ऐसे जंग मैन की कहानी है जिसको पैर दोबारा से हो जाता है। वो फिर से उसके हाथ में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है जिसे वो कंप्लीट करना है, लेकिन वो इस तरह से कंफ्यूज हो जाता है उन सभी चीज़ों के बीच, क्या वो उस टास्क को कंप्लीट करे या फिर जिससे वो प्यार कर रहा है वो रियल है। इस तरह से इस शॉर्ट मूवी को स्क्रीन पर उतारा गया है और आपको देखने में बहुत ज़्यादा मजा आएगा। सिंपली मैं बता दूँ, इस शॉर्ट मूवी में आपको लास्ट में ये देखने को मिलेगा कि जिससे वो प्यार करता है वो बिल्कुल ट्रू और रियल है, मतलब एक लड़की का प्यार भी सच्चा होकर निकल के आ सकता है। जिस तरह से साइकोलॉजिकल थ्रिलर शॉर्ट मूवी को कुछ टाइम में ही बनाकर उतारा गया स्क्रीन में, आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब कुछ मिनटों के लिए तो इस तरह से सस्पेंस देखने को मिलेगा कि आप भूल जाओगे कि किस तरह से ये शॉर्ट मूवी ही बनाई गई है, काश उसका आगे का भी कुछ पार्ट हमें देखने को मिलता। हमारी द ओल्ड मॉक। ऐसे दोस्तों की कहानी, जितना ही नाम ओल्ड मॉक है उतनी ही पुरानी दोस्ती है। किस तरह से वो अपनी पुरानी दोस्ती को यादों को ताजा करने के लिए और ट्रिब्यूट देते हैं ओल्ड मॉक को, जो आपको देखने के लिए मिलेगा। बहुत ही शॉर्ट मूवी बोल रहे, मतलब 15 या 20 मिनट के अंदर अंदर ये मूवी खत्म हो जाती है। जिस तरह से मूवी को बनाया गया है और स्क्रीन पर उतारा गया है, आप इस मूवी को बहुत एंजॉय करो। सिंपली इन सब मूवीज के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा कि हर मूवी आपको आधे घंटे से पहले खत्म होती है या 25 मिनट के अंदर अंदर खत्म होती दिखाई देगी। सिंपली ओल्ड मॉक में आपको देखने को मिलेगा अपने पुराने दोस्तों के साथ किस तरह से ओल्ड मॉक की
बोतल को श्रद्धांजलि दी जाती है, जैसे आपको देखने को मिलेगा नंबर 4 पर ओल्ट बॉक्स। नंबर 3 पर आती है हमारी प्लस माइनस। अब बहुत से कम लोग होंगे जिन्होंने नहीं देखी होगी, जो बबुर भाव को फॉलो करते हैं, जो उनके फैन है, उन्होंने तो ऑब्वियसली देखी होगी। मैंने भी देखी है, मैं भी बहुत बड़ा फैन, मतलब जेन्युइन फैन कह सकते हैं उनका। जैसे कि इस वेब सीरीज मूवी में आपको देखने को मिलेगा कि एक युवा महिला है जो अपने वैवाहिक जीवन से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है और वो अपने मतलब ससुराल को छोड़कर वहाँ पर जाने जाती है दूसरी ओर, उसे 22 वर्षीय कैसे लड़की से प्यार का एक नया मतलब देखने को मिलता है जो सैनिक है। इस मूवी के बारे में कुछ ज़्यादा बताना नहीं चाहूँगा क्योंकि स्पॉइलर हो जाएगा। सिंपली आप इस मूवी को जो है खुद एंजॉय करिए, बहुत ही शॉर्ट मूवी है, आप जितनी जल्दी आप देखोगे उतना अच्छा रहेगा क्योंकि बहुत ही जल्दी ये मूवी खत्म हो जाती है, मतलब 30 मिनट से पहले पहले आप बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करोगे। 2019 ऑस्कर विनिंग शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट मूवी पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस एक इसी तरह की टैबू इशू पर बनाई गई जब शॉर्ट मूवी आपको देखने को मिलेगी जो रूरल इंडिया को टच देती है, किस तरह से वहां पर वुमेन से फाइट करके उन सबको खत्म किया या फिर उनकी जो भी स्ट्रेंथ है जो भी उनकी कहानी है जो आपको देखने को मिलेगी। इस शॉर्ट मूवी की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर मैं इसके बारे में आपको कुछ बताऊंगा किस तरह से वो रियल लाइफ हीरो बने हैं तो वो स्पॉइलर हो जाएगा। सिंपली इस शॉर्ट मूवी को मतलब बाकी आप देखो या ना देखो, मैं सिंपली बोलूंगा इस शॉर्ट मूवी को और एक और ऊपर वाली आएगी उसको फर्स्ट नंबर वाली भी उसको जरूर देखना क्योंकि इन शॉर्ट मूवी को मैं आपको इतना कुछ देखने को इतनी सारी स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी जो आपको बहुत ही ज़्यादा इमोशंस और अच्छा स्क्रीन पर उतरने के लिए मजबूर कर देगी। नंबर 2 पर पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस 2019 ऑस्कर विनिंग शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट मूवी। वन पर आती है हमारी अल्लाया। राधिका आपटे कहीं पर भी हो, भले वो शॉर्ट मूवी हो या नेटफ्लिक्स की कोई वैसे मूवी हो, वहाँ पर अच्छे कंटेंट और मूवी तो आपको भर भर देखने को मिलेगी। सिंपली 2015 में आई अल्लाया इस तरह से मतलब अवार्ड विनिंग शॉर्ट मूवी बनी कि इसके बारे में कुछ भी बताना स्पॉइलर से कम नहीं होगा। सिंपली मैं इस शॉर्ट मूवी के बारे में यही बताना चाहूंगा, इन्वेस्टिगेट करती है वो एक ऐसे आदमी की जो पुलिस पैर के द्वारा मिस हो चुका है। तो सिंपली इस शॉर्ट मूवी आपको इतना सस्पेंस देखने को मिलेगा इतने कम टाइम में, आप सिंपली इस शॉर्ट मूवी को देखने के लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही सिंपली वैसे इसे स्क्रीन पे उतारा गया है। नंबर 1 पर अलाया, बहुत ही एंजॉय करोगे इस शॉर्ट मूवी को अलाया नंबर 1 पर। आज की हमारी कुछ टॉप 10 अवार्ड विनिंग शॉर्ट मूवी जो पिछले कुछ सालों में हाल ही में आई है। सिंपली इन सब शॉर्ट मूवीज को क्या देखना है, आप इनको यूट्यूब पर भी जाके देख सकते हो, बहुत सी आपको मिल जाएगी, अगर कोई नहीं मिलती आपको गूगल पर सर्च करके डाउनलोड करना पड़ेगा। सिंपली आपको क्या करना है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ऑन कर दो। अगर मूवीज की लिस्ट चाहिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।